ये चंदा कानून है। बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे मार देगा मुझे। अरे बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, हट जाओ, बचाओ, नहीं छोडूंगा, बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं छोडूंगा, नहीं छोडूंगा, हट जाओ, चंदा रानी जी, हट जाइए बीच में से। नहीं मिलोट, मैं बीच में से नहीं हटूंगी। विभूति को मैं नहीं छोडूंगा, इसे गोली मार दूंगा। मिलोट, अगर आपको विभूति नारायण पे गोली चलानी तो उससे पहले आपको मुझ पे गोली चलानी होगी। आप विभूति की जगह क्यों गोली खाना चाहती हैं? क्योंकि मिलोट, ये सुहाग है। किसका सुहाग है ये? मेरा। क्या? मेरी सहेली का। मिलोट, मेरी सहेली का सुहाग है। अगर आपने विभूति नारायण को गोली मार दी तो मेरी सहेली की तो मांग पूरी हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी। और कलरफुल साड़ी पहनने वाली लड़की को सफेद साड़ी पहननी पड़ेगी, और मिलोट उस पर सफेद रंग बिल्कुल सूट नहीं करता है। सफेद साड़ी पहन के आती हो यार? शट अप। ठीक है, एक काम करते हैं, तुम्हारी सहेली की मांग मैं भरूंगा, मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन इस विभूति को नहीं छोड़ूंगा। विभूति को नहीं छोड़ूंगा। मिलोट, 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 आप ऐसा नहीं कर सकते। मिलोट, वो शी इज अ वन मैन वुमन। मिलोट, उसने विभूति नारायण के अलावा किसी और के बारे में सोचा भी नहीं है। मिलोट, ना ही कभी सोच सकती है। मिलोट, शी इज दैट विलन। आई लव यू फॉर इट। शट अप। अगर आपने विभूति नारायण को गोली मार दी तो वो अपने आप को गोली मार लेगी, और फिर आपके सर पे दो दो खून हो जाएंगे। मिलोट, और फिर मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। ये क्या कह दिया आपने चंदा रानी जी? देखा विभूति, बच गया। चंदा रानी जी की वजह से तू बच गया। थैंक यू चंदा रानी जी, थैंक्स। दूर से नहीं तो मार डालूंगा, जान से मार डालूंगा। ऑलराइट, ऑलराइट। जिंदगी हर कदम एक नई। हट जाओ, बंद हो जाओ, बंद हो जाओ, वरना ये बंदूक खींच के मारूंगा। मिलोट, वो तो गाना गाएंगे ना, आप अपना गाना गाने में लग गए। मिलोट, उनका तो फैसला ही नहीं हुआ अभी तक। ठीक है, इनका फैसला करते। बैठ जाओ, सब लोग बैठ जाओ, सिट डाउन। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि पिछला जन्म होता है, और इसलिए अदालत बाल कपूर को न्याय दिलाएगी। एक मिनट मिलोट, एक मिनट। मैंने ये बात अब तक नहीं मानी है कि पिछला जन्म होता है। ये क्या बेतु की बातें कर रही हैं आप, जबकि कोर्ट ने खुद तजुर्बा किया इस बात का कि पिछला जन्म होता है, और फिर केस आईने की तरह साफ हो चुका है। मिलोट, केस आईने की तरह साफ नहीं हुआ है। मिलोट, सच और झूठ क्या है ये अब भी साबित नहीं हुआ है। मिलोट, आपने कहा कि डॉक्टर कामिनी शर्मा आपको पिछले जन्म में लेकर गई थी। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप बताइए कि आपने अपने पिछले जन्म में क्या देखा। मैंने देखा कि विभूति ने मेरा खून कर दिया है। विभूति जो है वो मेरा सगा भाई था, एक पुलिस इंस्पेक्टर था, और बताइए मिलोट, और क्या आप क्या थे, क्या थे आप? मैं जाने दीजिए ना, मैं कुछ भी था। आपको क्या? मिलोट प्लीज बताइए, जरूरी है केस के लिए, आप क्या थे? मैं चोर था। ऑर्डर, ऑर्डर। ठीक है, कोई बात नहीं, वो पिछले जन्म की बात है। आप बताइए आपने और क्या देखा, और किस किस को देखा, अपने किस रिश्तेदार को देखा? भाई, बहन, चाचा, नाना, बुआ, फूफा? माँ, माँ याद आ गई, माँ थी। चंदा रानी जी, आप ही मेरी माँ थी, पिछले जन्म में आप मेरी माँ थी। What? हाँ। तो इसका मतलब यह हुआ मिलोट कि चंदा जी आपकी माँ थी, मैं आपका भाई था, और मैं पुलिस इंस्पेक्टर था, और आप चोर थे, और मैंने फर्ज के खाते आपको गोली मार दी। मिलोट, मैंने तो बहुत अच्छा किया। मिलोट, अच्छा किया ना भाई लोग, अच्छा किया ना? अच्छा किया। मिलोट, जो भी हो, मैं ये बात तब तक नहीं मानूंगी कि पिछला जन्म होता है जब तक कि मैं इस बात को खुद एक्सपीरियंस ना कर लूं, खुद तजुर्बा ना कर लूं। मैं पिछले जन्म में जाकर देखना चाहती हूँ कि मेरा पिछला जन्म क्या था। और आपके हिसाब से अगर मैं आपकी माँ थी पिछले जन्म में, तो आपकी और मेरी कहानी तो एक ही होनी चाहिए। अगर हमारी कहानी मिल गई तो ठीक है, मैं हार मान लूंगी, लेकिन अगर हमारी कहानी नहीं मिली तो ऑल राइट चंदा रानी जी, ये अदालत आपको अपने पिछले जन्म में जाने की अनुमति देती है। अब आपकी पलके
बोझिल हो रही हैं। अब धीरे धीरे आप रिलैक्स फील कर रही हैं। अब आपकी आंखें पूरी तरह सेट हो चुकी हैं। अब कुछ नजर आ रहा है आपको? आंखें बंद करके जो नजर आना चाहिए वो ही आ रहा है। अंधेरे के अलावा और क्या नजर आएगा? चांद तारे? ओके ओके, अभी आपको सब कुछ नजर आएगा। हाँ, मुझे नजर बूम नजर आ रहा है। बूम, एक गार्डन नजर आ रहा है। बूम, उसकी सीडी स्किप हो रही। ब्लूम ब्लूम हो रहा है। मेरी फॉल्ट है सर, ये मेरी फॉल्ट है। ये इज माय फॉल्ट। ब्लूम, एक बार चली गई तो वापस नहीं आएगी। तू भी रह जाएगा, मैं भी रह जाऊंगा। उंगली रख, मुंह पे उंगली रख। मेरे लिए अपने मुंह पे उंगली रख। ओके ऑलराइट। गार्डन में कौन है आपके पास? हाँ, एक मोटा सा कमिश्नर है। मेरा पति टाइप का लग रहा है वो। कमिश्नर है? वो आपका पति है। अब वो क्या बात कर रहे हैं आपसे? अरे भाई कौशल्या, ये कहाँ है? ये तुम्हारे शहजादे कहाँ है? पिछले 3 दिनों से दिखाई नहीं दिए। मुझे क्या मालूम, सर पर तो आपने चढ़ा के रखा है उसे। कमाल करती है यार, हमने उसे सर पे चढ़ा रखा है। तो और नहीं तो क्या, मैंने उसे क्या दारू शराब और जुए की आदत मैंने डाली है? बियर बार मैं लेकर जाती हूँ। देखो कौशल्या भाई, गलत इल्जाम लगा रहे हो आप हम पर। हम तो रात रात भर ड्यूटी पर लगे रहते हैं। हाँ पता है, और जानबूझकर छमिया बार के बाहर अपनी ड्यूटी लगवाते हैं। ये गलत है, गलत इल्जाम लगा रही हैं आप हम पर। ये तो महज एक इत्तफाक है भाई। इत्तफाक गया भाड़ में। बचपन से अगर कंट्रोल में रखा होता उसे तो आज लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ते मुझे। अरे भाई क्या किया है हमारे शहजादे ने? क्या किया? डीआईजी की पार्टी में जानते हैं क्या किया उसने? अब डीआईजी की पार्टी में तो टुन बनकर तुम घूमती थी। हमने जो किया वो कुछ नहीं, डीआईजी को गले लगकर पता है उनकी पॉकेट मार ली। साफ बात कर रही हैं आप। और तो और, डीआईजी की बीवी को गले लगने के बहाने उसका नेकलेस मार लिया। आपको हंसी सूझ रही है, मुझे चिंता हो रही है। भाई माँ हो कौशल्या, चिंता तो होगी ही। अरे उसकी चिंता नहीं, मुझे मुझे अपने गोल्ड नेकलेस की चिंता हो रही है। 3 दिन से गायब है। एहे, भूल जाओ कौशल्या भाई, वो नेकलेस अब भूल जाओ, क्योंकि वो नेकलेस जो है किसी बार बाला के गले की शोभा बन चुका होगा। चंद्रमुखी आई माँ, थोड़ी तक सोई नहीं आई। कैसे सोऊं माँ, कैसे सोऊं? अरे मेरे जिगर का टुकड़ा 3 दिन से गायब है, मेरे प्राण अटके हैं उसमें। ले ले, तेरा जिगर टूटा गया, ले ले। अरे नाच पीटे, तेरी बात नहीं कर रही हूँ मैं तो मेरे नेकलेस की बात कर रही हूँ जो तूने चुराया था। मेरा नेकलेस कहाँ है? नेकलेस दे दे मेरा। हाँ मैंने तेरा नेकलेस नहीं चुराया। झूठ बोल रहा है तू, झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। बड़े भैया, बड़े भैया बिल्कुल सत्य कह रहा है माता श्री प्रणाम। तू कौन है बे? ए माँ, तुम को नहीं जानता, ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन है, मेरा फ्रेंड फिलोसोफर बिस्कार्ट है। कौशल्या यही है ना वो कमबख्त जिसने हमारे विजय को बिगाड़ रखा? अरे पिताजी, एक बात कान खोल के सुन लीजिए और काट मार दीजिए। आप मुझे गाले दे सकते, फूटे मार सकते, लेकिन अगर आपने समर सिंह को कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ क्या?
बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा बड़े भैया। बड़े भैया तुम्हारा दोस्ताना? मेरा नेकलेस कहाँ है? नहीं माँ, तो अपने बेटे पे खटिया इल्जाम लगा रही है माँ। मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, पुरजुनिया ने इल्जाम लगा के मेरे हाथ पर लिख दिया है। ये देख, मेरा बेटा चोर है। ठीक है माँ, ये सब मेरी वजह से आप लोग को झेलना पड़ रहा है। ठीक है, मैं वही घर छोड़ के जा रहा हूँ। विजय। हाँ माँ, बोल बोल माँ, बोल 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 बोल, क्या बोलना चाहती? बोल बोल ना। मेरे मुंह की बात छीन ली तूने बेटा। हाँ बोल ना। कब जा रहा है घर छोड़ के? जल्दी निकल। देखो बेटा विजय, तुमने अपनी माँ का हार चुराया है, उसे लौटा दो और यहाँ से कलटो। जहाँ हमारे बड़े भैया का अपमान होगा, वहाँ हमारे बड़े भैया एक पल भी नहीं रहेंगे। चलो बड़े भैया। एक मिनट, मैंने अपने माँ बाप को बहुत दुख दिया, मैं जाने से पहले इसे गले मिलना चाहता हूँ। ना कौशल्या ना। इस पुट्टे ने हमेशा मना किया तुम्हें मुझसे मिलने के लिए, लेकिन आज आज तुम्हें से मिलना पड़ा। आ बेटा गले लग ले जल्दी से और निकल ले। निकल ले बेटा, अब निकल ले। कमर के लिए हक। माफ करती है भाई। जाओ सुना, माफ जाओ यहाँ से। गया गया, ए भगवान तेरा बहुत बहुत शुक्र है बाबा। बला टली बला ले गया ले गया ले गया, मेरा मंगल सूत्र बचा था वो भी ले गया, सब कुछ ले गया, कुछ नहीं बचा, अब कुछ नहीं बचा। तुम्हारा मंगल सूत्र हो गया। ज्यादा खुश मत हो, तुमसे भी गले मिला था वो। नहीं हे हो, मेरा भुटवा हो गया फुर। देखा समर सिंह, कैसे हमने माँ पिताजी को टोपी पहना दी। हाँ बड़े भैया, ये टोपी पहनाना आपको आखिर सिखा किसने है? तुमने समर सिंह, तुमने तुम्ही तो हमारे फ्रेंड फिलोसोफर्स गाइड। हाँ ऐसे तुम्हारी जिंदगी में आए, तुमने हमें चोर चमार चाइया बना दिया। रुक जाओ विजय, हे विजय रुक जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। विजय बहुत गलत किया है बेटा तूने आज, अब तक तुम जमाने को टोपी पहनाते रहे, हम कुछ नहीं बोले। ना मैं कुछ नहीं बोला बेटा, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन आज तुमने अपने बाप को टोपी पहनाई, उसका बटवा चुराया, इसलिए आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा बेटा। हाय पिताजी, मैंने क्या बुरा किया? घर का माल घर ही में तो है, बाप का बटवा चुराया है बस। बस तो अब गोली भी खाओ विजय, गोली खाने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, मौका भी है, दस्तूर भी है, रस्म मेरी वाज भी है, बड़े भैया को गोली मारने से पहले आपको मुझे गोली मारनी पड़ेगी। तुम दोनों कम वक्तों पर अपनी दो गोलियां नहीं बिगाड़ूंगा, एक ही गोली से काम तमाम कर दूंगा, तैयार हो जाओ। साला समर सिंह, तुमने क्या किया? देखा है ख्वाब तो इस सिलसिले हुए, दूर तक निगाहों में तुम मरे हुए। भैया ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे बड़े भैया। तो वादा करो समर सिंह, अगले जन्म में भी तुम हमारे फ्रेंड फिलोसोफर्स गाइड के पैदा होगे। वादा करता हूँ बड़े भैया, वादा करता हूँ। चंद्रानी जी, आपने क्या देखा? चंद्रानी जी आपने क्या देखा? मुझे बताइए टेल मी, आई एम योर फ्रेंड। बताऊंगी कोर्ट में बताऊंगी। लेकिन चंद्रानी जी बताइए, चलो कोर्ट में बता रही है ना। चंद्रानी जी फटाफट बताइए आपने क्या देखा? मिलॉर्ड, इन्होंने वही देखा होगा जो आपने देखा। नहीं मिलॉर्ड, मैंने वो नहीं देखा जो आपने देखा। फिर बताइए ना आपने क्या देखा, आपने क्या देखा? मिलॉर्ड आपने आपके पिछले जन्म में देखा था कि मैं आपकी माँ थी और विभूति नारायण आपके भाई जी, लेकिन मैंने अपने पिछले जन्म में देखा कि आप मेरे पति थे
और विभूति नारायण हमारा बेटा मिलोर्ड। क्या बात कर रही हैं आप, मैं आपका पति था। यस मिलोर्ड, मैंने तो यही देखा। अब आप बताइए, आप किस बात को सच्चा मानेंगे? जो मैंने अपने पिछले जन्म में देखा वो सही है, या फिर जो आपने आपके पिछले जन्म में देखा वो सही है? यू कैन नेवर गो रॉन्ग चंदा रानी जी, आपने जो देखा वही सही है। मिलोर्ड, लेकिन मैंने सिर्फ इतना ही नहीं देखा, तो मैंने ये भी देखा कि आपने अपने बेटे विजय यानी विभूति नारायण का खून कर दिया था। मिलोर्ड, क्या बात कर रही हैं आप? मिलोर्ड, आपने मेरा खून कर दिया था, यू किल मी। और इन्होंने एक नहीं बल्कि दो दो खून किए थे। दो? मैंने दो खून किए थे? भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा। एनीबॉडी गॉट अ गन? एनीबॉडी गॉट अ गन? एनीबॉडी गॉट अ गन? या ही इज गॉट अ गन। मिलोर्ड, आई विल किल हिम, आई विल किल हिम। विभूति, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, कंट्रोल योरसेल्फ। विभूति, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। चंदा रानी जी, प्लीज कंट्रोल हिम। आई विल किल यू। आज मत रोकना बात, मैं इसको मार दूंगा। नहीं मां, शट अप। हे, ये गन गन किसकी है? चंदा रानी जी, मैं किसी का खून कर ही नहीं सकता। ये अगला जन्म पिछला जन्म ये सब बकवास है, बकवास। मैं भी बिल्कुल वही कहना चाहती हूँ मिलोर्ड, कि ये सब बकवास है, मनगढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। लिहाजा मेरी अदालत से गुजारिश है कि मेरे क्लाइंट प्रीतम यादव और उनके प्यारे टॉमी को इंसाफ दिलाया जाए और टॉमी को उनसे ना छीना जाए, परायों को ना सौंपा जाए। दैट्स ऑल मिलोर्ड। तमाम सबूतों और गवाहों और दिमागी फितूर की यात्रा के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि अगला जन्म और पिछला जन्म कुछ नहीं होता, जो कुछ भी होता है इस जन्म में ही होता है। यानी इंसान जो कुछ भी करेगा उसका भुगतान उसे इसी जन्म में मिलेगा। इसलिए अदालत ये मूछ वाली माँ और ये बाल वाले भाई को ये हिदायत देती है कि प्रीतम यादव के कुत्ते पर अपनी नजर ना डालें, नहीं तो अदालत इन्हें सख्त से सख्त सजा देगी, टू हैंग टिल डेथ। द कोर्ट इज डिसमिस्ड। तो पिछले जन्म में आप मेरी मम्मी थी। मम्मी जी, विभूति गोली लो ना, मम्मी गोली लो ना। विभूति दूर हो जा विभूति। मेरी मम्मी, छोड़ विभूति। नहीं, हथौड़ा नहीं जाएगा, अब मैं जाऊंगा। मैं नहीं, मम्मी मेरी मम्मी। वो तेरी माँ है तो मैं तेरा बाप हूँ। पप्पा पप्पी विभूति।